अस्सलाम वालेकुम इलियास, क्या हुआ इलियास, जॉब मिली क्या आपको? नहीं मिली यारो जॉब, अगर मिल जाती तो रमजान के ईद के कपड़ों का इंतजाम हो जाता था। इस बार भी तुम अपनी माँ के घर से कपड़े ला लो ना यार। इलियास, शादी के बाद से ये हमारी पांचवी ईद है और हर मर्तबा मैं अपने ईद के कपड़े अपने माँ के घर से ही ला रही हूँ। तो क्या हुआ यारो, इस बार भी ला लो ना। लेकिन आपको तो मालूम है ना, अब्बा का रिटायरमेंट होने के बाद अम्मी की तबीयत भी खराब रह रही है, उनका घर ही बड़ी मुश्किल से चल रहा। अरे तुम्हारा भाई बहुत रईस आदमी है यारो, उससे तो भी थोड़े पैसे मांग लो। मेरा भाई यकीनन पैसों से रईस है लेकिन दिल से बहुत गरीब है और वो जोरू का गुलाम है, उसमें जरी सी शर्म नहीं है। आज वो मेरे अम्मी अब्बू को इस हाल में छोड़ के अपनी बीवी के साथ रह रहा है। उस बेहुदे इंसान के आगे हाथ फैलाने से अच्छा मैं भूखी मर जाऊं। ये बात तो सही है, जो इंसान अपने माँ बाप का नहीं हो सका वो किसी का क्या होगा। ये कोई जरूरी नहीं है कि ईद नए कपड़ों में ही मनाया जाए, पुराने कपड़ों में भी ईद मना सकते हैं। मेरे मासूम बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह पूरे रोजे चल रहे और पूरे नमाजों की तिलावत हो रही, वो कितने खुश है कि ईद को नए कपड़े मिलने वाले बोल के। मेरा दिल गवारा नहीं करता उनको पुराने कपड़े पहनाना। जान दो अपन ये काम करेंगे, मेरा फोन भेज दे के वो पैसों से उनको नए कपड़े ला लेंगे। जब नया काम मिला ना, जब एक फोन खरीद ले तो मैं। एक बात बोलूं? हाँ बोलो। आप अपने छोटे भाई से पैसे मांग लो ना। छोटे भाई से पैसे मांगने का तो वो उसकी बीवी के सामने मेरे को जलील कर देता, मेरे को काम चोर बोल के बोलता। उससे पैसे मांगने से अच्छा है पुराने कपड़े पहन के ईद मना लेंगे अपन। वालेकुम सलाम भाई। खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह भाई। और इलियास भाई कहाँ हैं, दिख रहे नहीं? थोड़ा काम से फिर रहा हूँ भाई, थोड़ा। ऐसा? और भैया क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। ये रखो भाई। क्या है भाई ये? अरे ये रखो इलियास भाई। क्या है बोलो? ये रखो, वालदा भी जाए। अब रखो भाई, हाथ को ले लेते। ये रखो आपके पास, आपका छोटा भाई समझ के रखो, दुआ में याद रखो, रमजान का महीना है। अरे भाई शुक्रिया, मिलता हूँ। देखे दोस्तों, रमजान का महीना है, मुझ जैसे कोई और भी लोग रमजान में परेशान रहते। आप लोग, मुझे पता है आप लोग रमजान में सबकी मदद करते, लेकिन अपने आजुक बाजुक पड़ोसियों को भी देखो भाई, उनके घर में क्या है। ये मैं नहीं लिखा भाई कॉन्सेप्ट, ये मेरे चाहने वाले दोस्ता कई जने ये मैसेज सेंड करे भाई। ये मैसेज है, इसकी वीडियो बनाओ आप। तो इसकी मैं वीडियो बनाया भाई, रमजान का महीना है बोल के। प्लीज मेरे भाई, अच्छी दिखी तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट भी करो और इस वीडियो पे थोड़ा गौर करो भाई। चलो अल्लाह हाफिज़।